बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इगल टीवी। लड़कियों के गालों में डिंपल शायद आपको भी पसंद हो, मगर ये क्यों पड़ते हैं हैरान कुन इंकशाफ। मुस्कुराहट सबको अच्छी लगती है और हंसने के अमल के दौरान गालों पर डिंपल्स पड़ने से इंसान की मुस्कुराहट मजीद खूबसूरत हो जाती है। वीडियो आगे देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये डिंपल्स दरअसल पट्ठों में खराबी की वजह से पैदा होते हैं। डिंपल्स के बारे में आम तासुर है कि ये एक वरासती खसूसियत है जो माँ या बाप में से किसी एक के पास होने की सूरत में औलाद में भी मुंतकिल हो जाती है। ताहम जदीद साइंस के मुताबिक ये नज़रिया 100% दुरुस्त नहीं, क्योंकि ऐसा हरगिज नहीं है। बल्कि हकीकत में डिम्पल्स का पड़ना पट्ठों की खराबी की वजह से है। अगर माँ और बाप दोनों के गालों पर डिंपल नमूदार होते हों तो इस सूरत में भी बच्चों में डिंपल्स पड़ने का इम्कान बहुत कम होता है। तिब्बी माहरीन का कहना है कि इंसानी चेहरे में गालों की तरफ जाइकोमेडिकस मेजर नामी पट्ठे मौजूद होते हैं जो जुसामत में नहायत बड़े होते हैं। ये पट्ठे हमें मुस्कुराने में मदद देते हैं, लेकिन बाज दफ़ा ये पट्ठे जीनियाती खराबी के बायस पैदाइश के वक्त टूट जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं। और इस खराबी के हामिल अफराद जब मुस्कुराते हैं तो इनके पट्ठे खींच कर ऊपर और नीचे की तरफ चले जाते हैं और दरमियान में एक हलास सा पैदा हो जाता है जो चेहरे पर डिंपल की सूरत में नज़र आता है। यूं बज़ाहिर पट्ठों की खराबी हमारे चेहरे और मुस्कुराहट को नहायत खूबसूरत बना देती है। तिब्बी माहरीन के मुताबिक एक बार ये खराबी पैदा होने के बाद फिर ये हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाती है, लिहाजा डिंपल पड़ने से तशवीश का शिकार होने की ज़रूरत नहीं।